हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम टाटा कंपनी से जुड़ी दो बहुत ही बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। पहला है टियागो ग्रीन के बारे में, दूसरा टाटा जो है वह विस्ट्रॉन इंडिया के साथ मिलकर के एक जॉइंट वेंचर बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर यह डील पूरी हो जाती है तो टाटा ग्रुप एप्पल के लिए आईफोन तैयार करेगा। अगर हम विस्ट्रॉन की बात करें तो विस्ट्रॉन एक टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि ताइवान की है और यह आईफोन के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और यह टाटा ग्रुप के साथ मिलकर के प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सप्लाई चेन और असेंबलिंग की दिशा में अपने कारोबार का विस्तार भी करना चाहता है। अगर आईफोन की बात करें तो भारत में एप्पल फोन की असेंबली जो है वह 2017 से ही की जा रही है। इस पे पहले विस्ट्रॉन और फिर फॉक्सकॉन ने भारत में एप्पल के लिए असेंबली यूनिट लगाई थी। अब बात यहाँ आती है कि ये विस्ट्रॉन और टाटा का जो जॉइंट वेंचर होगा किस प्रकार का होगा, कि क्या टाटा विस्ट्रॉन की कुछ हिस्सेदारी खरीदेगा, मतलब कुछ इक्विटी खरीदेगा, या फिर दोनों मिलकर के एक नया असेंबली प्लांट स्थापित करेंगे, इन दोनों पर विचार किया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि ये दोनों पे ही काम करें कि कुछ इक्विटी खरीद लिया जाए, बाकी एक नया मतलब असेंबली प्लांट स्थापित किया जाए। इन तीनों पर ही बात चल रही है। देखो आने वाले समय में यह क्या होता है। जैसे अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल ने 2017 में भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की थी। तो भारत में आईफोन 11, आईफोन 12 और आईफोन 13 का निर्माण जो है वह फॉक्सकॉन यूनिट में किया जाता है। इसके साथ ही साथ आईफोन SE और आईफोन जो 12 की असेंबली है वह विस्ट्रॉन फैक्ट्री में होती है। दोस्तों जो दूसरी खबर आ रही है वह टाटा टियागो को लेकर आ रही है। तो टाटा अपना ई टियागो भारत में जल्द ही लॉन्च करने वाला है और यह आपको दिवाली तक सड़कों पर नजर आने लगेगा कि टाटा टियागो, इसको हम ई टियागो या फिर टियागो ग्रीन भी कह रहे हैं, वह भारत में दिवाली में लॉन्च हो सकता है। इसके हम प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वह अंडर 10 लाख, मतलब 10 लाख के अंदर ही होगा। तो यह दो बड़ी खबरें टाटा कंपनीज लेकर के आ रही हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो को सबसे पहले जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।